नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ICICI बैंक की ओर से आ रहा है एक नया जॉब अपडेट लेके आया हूँ, जो कि है दोस्तों फोन बैंकिंग ऑफिसर। दोस्तों इस जॉब में जो आपका रोल रहने वाला है वो है दोस्तों ICICI बैंक में जितने सारे कस्टमर है उनको दोस्तों रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों ICICI बैंक में जितने सारे प्रोडक्ट है उनका जानकारी देना पड़ेगा। इससे अलावा दोस्तों आपको क्रॉस सेल करना पड़ेगा, वो भी दोस्तों आप फोन के भैया कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हो, कस्टमर का फीडबैक ले सकते हो। बहुत ही इजी जॉब है दोस्तों, एंड यहाँ पे दोस्तों काम करके आपको दोस्तों 15 to 30,000 तक आपको सैलरी भी मिल सकता है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो इस जॉब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है दोस्तों अगर आप 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो दोस्तों इस जॉब के लिए इलिजिबल हो। अभी दोस्तों मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे मैं सारी चीज बताऊंगा कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या आपको स्टेप फॉलो करना है ताकि दोस्तों यहाँ पे जॉब आसानी से आप पा जाओ। के सर्च करना है ICICI बैंक कैरियर्स, देन दोस्तों ICICIbankcareers.com पहले वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ICICI बैंक कैरियर्स का ऑफिशियल पेज देखने को मिल जाएगा। फ्रेशर्स बंदे हो तो यहाँ पे फ्रेशर्स ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों फ्रेशर्स का पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों फ्रेशर्स के ऊपर बहुत सारे जॉब आपके सामने दिखने को मिलेंगे। बट आज मैं आपको जिस जॉब के बारे में बताऊंगा वो दोस्तों फोन बैंकिंग ऑफिसर। एंड इस जॉब में जो आपका रोल रहने वाला ICICI बैंक नीड्स वॉइस दैट कैन बी द फेस ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। दोस्तों ICICI बैंक आज की डेट में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। दिस रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग कस्टमर क्वेरीज कंप्लेंट्स। इस रोल में आपको कस्टमर का जितने सारे क्वेरीज रहने वाला, कंप्लेंट्स रहने वाला, उनको मैनेज करना पड़ेगा एंड प्रोवाइडिंग कस्टमर विद रिलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन। एक रिलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे अलावा क्रॉस सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर ओवर फोन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द टीम लीडर्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। क्रॉस सेल भी करना पड़ेगा। ICICI बैंक में जितने सारे सेल्स के लिए प्रोडक्ट्स है उनको कस्टमर को दोस्तों एक अपडेट देना पड़ेगा एंड उन सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई बटन दिखने को मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। न्यू यूजर के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। पहले आपको अपलोड रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक कर रहे हो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों अपने लैपटॉप में जहाँ पे रेज्यूमे मतलब सीवी को आप बना के रखे हो दोस्तों वहाँ पे अपलोड कर देना है। मोबाइल फोन में भी दोस्तों जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में सारे आपका डिटेल्स डाल देने के बाद यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों प्लीज अपलोड द अटैच, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने एक गलती करा, यहाँ पे अपलोड रेज्यूमे में अपना पीडीएफ फाइल को अपलोड करना था, बट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप डॉस या डॉक्स फाइल आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपका डॉक्स फाइल को अपलोड करना है। अब अगर आप लैपटॉप में या मोबाइल फोन में पीडीएफ फाइल कर रहे हो दोस्तों आप ऑनलाइन में पीडीएफ टू डॉक्स फाइल कर लोगे, देन दोस्तों आप इजीली यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। तो मेरा डॉक्स फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अपलोड बटन पे क्लिक कर दे। एंड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब दोस्तों मेरा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे आपको सिंपली कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना है। तो आधार कार्ड में एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है दोस्तों, आप सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों नेक्स्ट पेज में 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में कार्य हो दोस्तों वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन दोस्तों आपका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, कौन से साल में आप कंप्लीट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एकेडमिक सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव वैलिड वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है दोस्तों यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों इसलिए मैं नो कर देता हूँ। देन दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सप्लीमेंटरी इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ आंसर देना पड़ेगा। देन दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर पाओगे। आई एग्री वाले बटन पे टिक कर देना है। देन दोस्तों सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों डिक्लेरेशन में आपके सामने कुछ फॉर्म दिखने को मिल सकता है, दोस्तों आपको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे सिंपली एब्सेंट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं योर डिटेल्स आपके सामने दिखने को मिलेंगे, आपका नाम दिखने को मिलेंगे, डेट ऑफ बर्थ दिखने को मिलेंगे दोस्तों, एंड आपका ईमेल एड्रेस, एंड आपका दोस्तों यहाँ पे फोन बैंकिंग ऑफिसर जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, एंड स्टेटस अभी दोस्तों देख सकते हो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई हो चुका है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहा है दोस्तों सिंपली कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं डेली बेसिस में आप लोग के लिए जॉब रिलेटेड एंड मेक मनी ऑनलाइन वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना, मैं मिलता हूं आपके साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।